सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का क्रिसमस फोटो एडिटिंग कर सकते हो। वैसे भी आपको पता है कि क्रिसमस आने के लिए और बस 2-3 दिन रह गए हैं, तो उस दिन आप भी पोस्ट कर सकते हो इस तरह का अपना फोटो को एडिट करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर आपको भी इस तरह का फोटो एडिट करना है तो यह वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल एप्लीकेशन में वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो टूल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो रिसाइज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा इसे आपको कट कर देना है, और यहाँ पे 3097 आपको अप्लाई कर देना है, और यहाँ से डन करके रिसाइज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो आपके जो बैकग्राउंड के पिक्सल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे आपके जो फोटो और ब्लर नहीं होगा एडिट करने के टाइम पे। तो इसके बाद आपके यहाँ जाना है इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे जो ब्लर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो फर्स्ट में ब्लर इफेक्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे जो बैकग्राउंड इतना ब्लर भी नहीं चाहिए, तो इसके अमाउंट को कम करने के लिए वापस इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसका जो मैं यहाँ पे अमाउंट रख लेता हूँ 4%, और यहाँ से कर लेना डन। तो देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। और ये वाले फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने ऑलरेडी इरेज कर लिया था। अगर आपको फोटो कटआउट करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे जूम करके आपको बिल्कुल इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हेयर इसे हमें यहाँ पे इरेज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैप को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इरेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, और इरेजर का हार्डनेस थोड़ा सा इंक्रीज करके इस तरह से मैं हेयर्स को इरेज कर लेता हूँ। आपके भी हेयर्स आप इस तरह से इरेज कर लेना अगर ज़्यादा लॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया, यहाँ से डन, और यहाँ से भी डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे, और इस बार हम यहाँ पे अपने कैप वाले पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, और इसे ऐड करने के बाद इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो छोटा सा डॉट है इसे आप इस तरह से स्ट्रेच करके अपने हेड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरफ इसे फ्लिप करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लिप एंड रोटेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे जो थर्ड वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरफ यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा, और इसे यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ से आपको कर देना है डन। तो ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम ऐड फोटो पे जाएंगे, और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेते हैं इस बार, क्रिसमस ट्री के पीएनजी को, और इसे जूम करके आपको फोटो के राइट वाला पार्ट पे इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ओनली हाफ वाले पार्ट को एडजस्ट करना, और यहाँ से भी डन कर देना। नेक्स्ट हम वापस से ऐड फोटो पे जाके गिफ्ट्स के पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, और इसे ऐड करने के बाद इस तरह से आपको जूम करना है, और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे भी पहले टैप कर देना है, यहाँ से डन मत करना। तो आपके सामने फिर से ऐड फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है, और इसे ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसे इस तरफ एडजस्ट करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे फ्लिप कर लेते हैं पहले की तरह, और यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये वाला आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करके मूव डाउन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये हमारा पीछे चले जाएगा, और इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ से मैं कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हम फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे, और इस बार ऐड कर लेंगे स्नो के पीएनजीज को, और इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे जो ब्लेंड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है, और ब्लेंड को आपके यहाँ पे कर देना है स्क्रीन, और इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना। फिर आपको जो इरेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है, और जो भी आपके फेस के ऊपर या फिर जहाँ पे भी आप इरेज करना चाहते हो उसे इरेज कर लेना ये वाला सेटिंग रख के, और नॉर्मली इस तरह से इरेज कर देना। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन, और यहाँ से भी कर लेता हूँ डन। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर स्नो ऐड करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम ऐड फोटो पे जाएंगे, और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, और इसे ऐड करने के बाद आपको ब्लेंड पे जाके कर देना है स्क्रीन, और इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर देना। फिर ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे जाना, और इसका ओपेसिटी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लगभग 50% के आसपास, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। इस बार मैं भी ऐड फोटो पे जाके एक टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं मेरी क्रिसमस का, और इसे ऐड करने के बाद जस्ट आपको सिंपली ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना, और यहाँ से डन कर देना। नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे की साइड भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक शैडो को ऐड कर लेते हैं। ऐड फोटो पे चलते हैं, और यहाँ पे शैडो को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे शैडो के पीएनजी को ऐड कर लिया है, इसे जस्ट आपको इस तरह से जूम करके फोटो के नीचे वाले पार्ट पे एडजस्ट कर देना। ओपेसिटी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 40% के आसपास, और यहीं से फिर से ऐड फोटो पे जाके एक और टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं मेरी क्रिसमस का, और नीचे इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ डन। और मैं फिर से ऐड फोटो पे जाके इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है, और इसे यहाँ पे ऐड कर लेना है ऊपर की साइड यहाँ पे कॉर्नर में, और इसका ओपेसिटी जो है तो आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 40% के आसपास, और यहाँ से कर लेता हूँ डन। अभी हमारे फोटो में थोड़ा सा हमें लाइट एडजस्टमेंट करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो में। तो इसके लिए हम यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन पे जाके एडजस्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जो फोटो का हाईलाइट्स इसे कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज, और शैडो को कर देंगे इंक्रीज। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारे फोटो में थोड़ा सा हमें ब्लू टोन चाहिए, और ब्राइटनेस को कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज 3%, और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करके सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना थोड़ा सा, और यहाँ से कर देना डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुका है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद आपको ये आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना है। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।